अगर आप लोग को भी एनबीएफसी एप्लीकेशन या बैंक की तरफ से सेक्शन 138 या फिर सेक्शन 25 का नोटिस आ रहा है तो इस केस में आप लोग को क्या करना है और आप लोग के साथ क्या क्या हो सकते हैं, इस वीडियो में पूरे डिटेल से बात करने वाले हैं। तो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक ये वीडियो जरूर देखिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। चलिए स्वागत करते हैं हमारे चैनल लोन असिस्ट इंडिया पे, जहां पे आपको लोन के रिगार्डिंग सारे कंटेंट देखने को मिलने वाले हैं। वहीं आप लोगों को टेलीग्राम का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां आकर के आप लोग का जो भी प्रॉब्लम है, जो भी वीडियोस है, जो भी रिकॉर्डिंग है, आप लोग शेयर कर सकते हैं हमारे साथ। आप लोगों को जो भी प्रॉब्लम है आप लोग खुल करके वहां पे डिस्कस कर सकते हैं। वहां पे बहुत सारे लोग भी आप लोग को मिलेंगे, आपस में आप लोग बात भी करके अपना थोड़ा जो प्रेशर है वो कम भी कर सकते हैं। इसलिए मैंने वो टेलीग्राम चैनल बनाया है कि आप लोग आपस में भी बात करके एक दूसरे से आप लोग थोड़ा अपना टेंशन रिलीव करें। आप लोग को ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोगों ने डिफॉल्ट भी किया है, कोई जेन्युइन प्रॉब्लम है, तो आप लोग को टेंशन लेना नहीं है। अब वही बात करते हैं यहाँ पे, मैंने तो बता दिया टेलीग्राम का, आप जाकर के वहां पे आ सकते हैं, वहां पे आप अपना प्रॉब्लम डिस्कस कर सकते हैं। आप लोग को वही मेरे जगह आप लोग को सब्सक्राइबर भी मिलेंगे, आप लोग अपने सब्सक्राइबर से भी बात, हम लोग के सब्सक्राइबर से भी बात कर सकते हैं। आप लोग एक दूसरे से बात करके अपना एक टेंशन कम कर सकते हैं। बाकी मैंने तो हर एक वीडियो में आप लोग को जितना भी प्रॉब्लम होता है उसका सॉल्यूशन भी बताया है और क्या प्रॉब्लम होता है वो भी बताया है। फिर भी आप टेलीग्राम में आ सकते हैं, आपको बता दिया जाएगा। वहीं बात करें सेक्शन 138 को लेकर के, यहाँ पे क्या है सच्चाई, तो यहाँ पे सेक्शन 138 क्या होता था, अब अगर आप लोग को आता है तो आप लोग को डरने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि सेक्शन 138 आप लोग के ऊपर लागू होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा वो सुन लीजिए। सेक्शन 138 चेक बाउंस का केस होता है। चेक बाउंस का पहले जमाने में आप लोग जानते हैं, पहले आप लोग को ऑफलाइन जाकर के चेक जमा कर चेक देना होता था, 2-4-5 चेक देते थे आप लोग और उस पे आप लोग का जो पेमेंट होता था वो कट जाता था, वो सेक्शन 138 पे होता था। तो अब वही अगर अब आता है तो अब क्या होता है, ऑनलाइन होता है। ऑनलाइन में क्या होता है, आपको ECS वगैरह कोई कोई एप्लीकेशन है, जैसे मनी व्यू वगैरह एप्लीकेशन है, पॉकेट एप्लीकेशन है, जो ECS ऑन कर देती है, जो आप लोग को हर एक डेट पे ऑटो मैंडेट जो होता है ऑटो मैंडेट, तो वो आप लोग बार बार उसी दिन उस जो डेट रहेगा उस डेट पे ऑटोमेटिक आपका पैसा कट जाएगा। आप लोग के अकाउंट में अगर पैसे नहीं रहे तो वो क्या हो जाएगा, बाउंस कर जाता है, तो वो सेक्शन 25 में आ जाता है। तो ये लोग अंग्रेजों का दिया हुआ नियम है, अंग्रेज तो चले गए पर अंग्रेजी अपना यहाँ झाड़ के गए हैं, अपना कानून झाड़ के गए हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर आप लोग को सेक्शन 138 या 25 का अगर नोटिस आ रहा है तो उसमें आप लोग को सबसे पहले देखना है कहीं पे केस नंबर दिया हुआ है या नहीं। अगर केस नंबर दिया हुआ नहीं है तो आप लोग को सबसे पहली बार कोई डरने की जरूरत नहीं है, ये कोई भी लीगल नोटिस ये नहीं है, कोई भी आपके ऊपर सेक्शन लगा करके केस नहीं किया गया। और वहीं कहीं पे केस नंबर दिया हुआ है तो सबसे पहले आप लोग को क्या करना है, सबसे पहले प्ले स्टोर पे जाना है और आपको ई कोर्ट एप्लीकेशन जाकर के सर्च करना है और उसको इंस्टॉल करना है और आपका जो केस नंबर होगा वो डालना है, जो आप लोग को इस पे मिला होगा उस केस नंबर को वहां पे पुट करना है और देखना है स्टेटस वहां पे। अगर वो एक्टिव दिखा रहा है तो इसका मतलब आपको जाना जरूरी है कोर्ट में, आप लोग के कोर्ट में पेश होना जरूरी है। और वहीं अगर इनएक्टिव दिखा रहा है मतलब कोई भी आपको आपके ऊपर केस वगैरह नहीं लिया गया है, इनवैलिड दिखा रहा है, तो आप लोग को कोई भी डरने की जरूरत नहीं है, ये एक सिर्फ और सिर्फ फेक नोटिस है। तो बस आप लोग ये जान लीजिए, अगर आप लोग को कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है, अगर ऐसा कुछ एक्टिव वगैरह दिखा रहा है तो ऐसे में भी आप लोग को डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ये लोग लोन पे आप लोग को कोई भी लीगल एक्शन वगैरह जल्दी नहीं होता है, इसमें बहुत टाइम लग जाता है, 25 साल के लगभग समझिए, बहुत केस पेंडिंग है, ऐसे बहुत ज्यादा आप लोग से भी ज्यादा बड़े बड़े केस पेंडिंग है यहाँ, वो तो अभी तक सॉल्व नहीं हुए। आप लोग का क्या केस जाएगा उतना दूर, कोई ये लोग जाने वाले भी नहीं है। ये लोग क्या करेंगे इस दौरान, आप लोग को सिर्फ डराने के लिए ऐसा करते हैं, आप लोग के ऊपर कोई भी एक्शन वगैरह नहीं लिया जाता है। अगर आप लोग को फिर भी कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो टेलीग्राम का लिंक आप लोग को मिल ही जाएगा डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में आके आप लोग बता सकते हैं या चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, आप लोग को ऐसे वीडियोस मिलते रहेंगे। तब तक के लिए चलते हैं इस वीडियो में, मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।